Bangalore to Mysore with apparently one of the best trains in the whole of India. India ne ek all country jo hai na wo train chalayi hai jisme medical services aapko chalti hui milengi. Train ja rahi hai aapko like think about it. Ki matlab ek train ja rahi hai uske andar completely aapko ek hospital milega. It's like a bullet train. Oh wow. They rotate. Okay, this is so unique. We are spinning. And now I can directly look. What? Thank you very much. What is for lunch? देखें अब ये वक्त देखने को रह गया तो इंडिया की ट्रेनें अमेरिका में एक्सपोर्ट होगी. हालांकि जब अमेरिका से कोई चीज़ मंगवाते हैं उसका जो चीज़ मंगवाते हैं ना वही बड़े टेंशन से पेरा होता है भाई अमेरिका से आई है तो अब इंडिया का क्या लेवल होगा यार कि अमेरिका उनसे डिमांड कर रहा है कि आप अपनी ट्रेन हमें दें. क्या हो गया यार आपको पता है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर वहां पर जाके उनके मुंह पे बोल के आए थे यूरोप हैज टू गेट आउट ऑफ द माइंडसेट दैट यूरोप का प्रॉब्लम पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है क्योंकि अगर यूरोप को कोई प्रॉब्लम है हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं. Why does this look like Halloween style? It was like dripping blood or something. लास्ट टाइम सफर किया ट्रेन का तोबा हो गई है यार यहाँ पे ट्रेन का निज़ाम ही निरा यहाँ पे ट्रेन के निज़ाम कौन से हैं देखें अब वही जाल बिछे हुए जो अंग्रेज बिछा के गए थे उसके बाद हमने कोई तरक्की नहीं की इवन कि हम कोई नई ट्रेन नहीं लेके आए. सबूत तो यार है ये पाक फौज कलमा पढ़ने वाले हैं हम फिर वो सबूत क्या है क्या आप हमें नहीं बता सकते. Station is extremely modern, but yeah, super excited to try this new freshly baked train, all made in India. Wow, it's just like it's so spacious. The seats are super ergonomic, so I can already see us doing video editing in here. Look, these are our seats. This is already ready for straight. यहाँ पर ना सीधा सीधा ना एक लानत भेजूँगी मैं. हमारे सिस्टम पे क्या किया है हम लोगों ने देखा है आप लोगों ने कभी ट्रैवल किया है आपने कभी ट्रेन में सर कोई इतना सा टुकड़ा मुझे बता दे जहाँ पे जंग नहीं लगा हुआ ठीक है ना. और उधर इंडिया को देख लें इंडिया ने एक ऑल कंट्री जो है ना वो ट्रेन चलाई है जिसमें मेडिकल सर्विसेज आपको चलती हुई मिलेंगी. ट्रेन जा रही है आपको लाइक थिंक अबाउट इट कि मतलब एक ट्रेन जा रही है उसके अंदर कम्प्लीटली आपको एक हॉस्पिटल मिलेगा मूविंग हॉस्पिटल. वो ट्रेन हर जगह से गुजरेगी आपको कहीं से भी कोई भी चीज़ चाहिए आप वहाँ जाके ट्रेन से इलाज करा. यार उनकी थिंकिंग देखो आप. यूरोप में अगर वंदे मातरम की ट्रेन चलेगी ठीक है उसकी कलरिंग चलेगी आपको नहीं लगता कि जो बंदा वहाँ पर होगा उसको वो चीज़ अट्रैक्ट करेगी उस चीज़ को उस बंदे को भी पता चलेगा अच्छा यार वंदे मातरम इंडिया से आया. क्या यार क्या किया है इंडिया ने मतलब आई एम सो हम लोग पता है कि हम लोग डरते रहते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में वी आर नॉट इंडिपेंडेंट. हम लोग डरते रहते हैं यार यूरोप को की बात की थी यूरोप हम लोगों को अलग ना कर दे भाई किस चीज़ से जायदाद खाई हुई है उन्होंने हमारी जो हमारी खा जाएंगे वो लोग जो रह गई थी ठीक है जो तुम लोगों को उम्मीद थी वो बच जाएगी. क्या हो गया यार आपको पता है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पर जाके उनके मुँह पर बोल के आए थे यूरोप हैज़ टू गेट आउट ऑफ द माइंड सेट दैट यूरोप का प्रॉब्लम पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है क्योंकि अगर यूरोप को कोई प्रॉब्लम है हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं. और पाकिस्तान में भी अभी तक कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है इवन तो ट्रेन तक भी हमारा सिस्टम डिले ट्रेन का वो भी इतना खास नहीं है बल्कि वो यानी कि अंग्रेज़ों के बनाए हुए दौर का ही है जब से इंडिया ने अपना जो ट्रेन सिस्टम है उसको यानी कि वो पूरी दुनिया से मनवा लिया कि हमारा जो ये दी बेस्ट ट्रेन सिस्टम है तो क्या कहेंगे पाकिस्तान के पीछे रह गए इंडिया को आगे निकल गया. सर पाकिस्तान की तो बात ही ना करें पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ बता दें मुझे जो पाकिस्तान मेड हो. भाई हम ट्रेन की तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ट्रेन. आप अभी आपने हमने देखा होगा चाइना से उन्होंने इम्पोर्ट किए ट्रेन. हम दूसरी बड़ी चीज़ों पे जाते नहीं हम बाइक्स की बात कर लेते हैं. हमारी छोटी से छोटी बाइक जो है होंडा सिटी है ये हम जापान से इंपोर्ट करते हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगे हम कहाँ ट्रेन बना सकते हैं. हमें सियासत के इन झुरमट मतलब इन चीज़ों से निकलेंगे तो हम जो है टेक्नोलॉजी की बात करेंगे मैनुफैक्चरिंग की बात करेंगे मैनुफैक्चर करेंगे चीज़ें. हमारे यहाँ हर एक चीज़ छोटी से चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक मेड इन चाइना यूज़ हो रहा है मेड इन जापान यूज़ हो रहा है मतलब. लेकिन आप इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में हर एक चीज़ मेड इन इंडिया यूज़ हो रहा है और जिसकी वजह से वो आज दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है. मैं क्या करने आप वहाँ पे देखें वहाँ पे ट्रेन का सारा क्रेडिट जाता है उनके मिनिस्टर को. रेलवे का मिनिस्टर था लालू प्रसाद
लालू प्रसाद ने जितना काम कर लिया ना ट्रेन की इंडस्ट्री में इंडिया में, तो उसने जितना ट्रेन को प्रमोट कर दिया यार, रेलवे महकमे को प्रमोट कर दिया, जितने अच्छे काम कर दिए ना, उस बंदे का सलूट है यार। देखें हम इंडिया की ट्रेन जब आज आके चलेगी यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, तो क्या लेवल हो गया। अब देखें यार, मेड इन इंडिया होगा लेकिन चलेगी वो अमेरिका के अंदर। अब पाकिस्तान में सुई भी नहीं मिलती मेड इन पाकिस्तान, या वो भी हम चाइना से एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया की बात कीजिए, इंडिया पे यार लोग बिलीव करते हैं, वहाँ पे बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी बिलीव करके इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, वहाँ पे देखें बिलीव करके वो चीज़ें मंगवा लेते हैं। क्यों? वहाँ पे स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकली लिहाज से भी स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकली भी स्टेबिलिटी है, इस वजह से लोग वहाँ पे एतबार करते हैं। टेस्ला वहाँ पे आ गया, आईफोन वहाँ पे आ गया। पाकिस्तान का रेलवे निज़ाम पीछे से पीछे ही जा रहा है, पाकिस्तान तरक्की मकूस ही कर रहा है, हम पीछे ही आ रहे हैं, आगे नहीं जा रहे। कोई ऐसी फील्ड बता दें जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है। मैं तो कहता हूँ जी, जो पाकिस्तान है, जो पहले घूमते काम करके गई हैं, इससे ज़्यादा काम जो पाकिस्तान में इमरान खान ने किया ना, ये काम इसने सबसे ज़्यादा किया है। सबसे ज़्यादा किया, कोई ऐसी चीज़ बता देना जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है। थोड़ा सा इधर को हो जाए जी, कोई ऐसी एक चीज़, कोई शोभा ऐसा बता दें। ये पाकिस्तान सबसे आगे है जी। कैसे आ गया कोई शोभा तो मेरे भाई? शोभा ऐसे है कि ये काम अच्छे हो रहे हैं जी, बहुत अच्छे लेवल ऊपर आ रहा है। लेवल किस चीज़ में ऊपर आ रहा है? पढ़ाई में, अपना इसके अलावा मेडिकल में, इसके अलावा इंजीनियरिंग में, इकोनॉमी में, दीन में पाकिस्तान आगे जा रहा है। दीन में? हाँ जी। वो तो हमारा एक पर्सनल है ना, दीन इस्लाम हमारी पर्सनल चीज़ है, अगर ओवरऑल दी वर्ल्ड बात कीजिए तो उसमें किस चीज़ में आगे? ए सब शोभों की बात कर रहा हूँ, मज़हब की बात नहीं कर रहा। मज़हब में भी तो देखें, वो तो हमारा अपना एक पर्सनल चीज़ है, हम उसे ये शोभा में ये कह रहे हैं कि ये करप्शन, पहले करप्शन ज़्यादा होती थी, अब कम है। अब कम? हाँ जी, इससे ज़्यादा आगे जा रहा है पाकिस्तान, ठीक है, करप्शन में। लेकिन जी, अब आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी, यूज़ कर। मैं आपको ज़रूर यूज़ कर, मैं आपको मोबाइल निकाल कर देता हूँ, आपने वो सर्च करना है कि करप्शन में पाकिस्तान आगे है या इंडिया आगे है, ठीक है? फिर आपने मुझे बताना है। आप ही कर लें। चले मैं कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। मुझे आप पढ़ना आता है, पहले तो जनरली ये बताएं कि आपको लगता है कि करप्शन में पाकिस्तान इंडिया से, मतलब ये है कि पाकिस्तान में करप्शन कम है और इंडिया में ज़्यादा है? यार इसका इंडिविजुअल तो देखा है अब, हर क्योंकि हर मुल्क के हालात अपने हैं ना, कोई है, भी है। मेरा आज का टॉपिक ये था, क्वेश्चन ये था भाई से, मैं ये पूछ रहा था कि कोई ऐसी फील्ड बताएं, कोई ऐसा शोभा बताएं जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है। इन्होंने पहले बोला कि मज़हब में, तो मैंने उन्हें बताया कि सर वो एक शोभा नहीं, वो तो एक हमारा इंडिविजुअल एक चीज़ है, मज़हब है, वो हर एक का अपना अपना होता है, वो उसमें नहीं। लेकिन फिर इन्होंने कहा करप्शन में पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर है, इंडिया जो है वो इंडिया में ज़्यादा करप्शन है। तो वो मैंने इन्हें दिखाया है कि करप्शन का भी अगर इंडेक्स देखा जाए तो पाकिस्तान में करप्शन ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो आपको लगता है, आप बता दें, कोई आंसर करें, कोई एक फील्ड, आप तो पढ़े लिखे थोड़े लग रहे हैं, कोई ऐसा शोभा बता दें जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है। आईटी में मेरा ख्याल आगे है पाकिस्तान। सर नहीं, आईटी में तो पाकिस्तान क्या है, दुनिया, मैं कहता हूँ कि दुनिया मान रही है इंडिया बहुत आगे है आईटी में, आईटी में आगे नहीं है। आप मसीकी में? किस चीज़ में? मसीकी में। मसीकी में? हाँ जी। मसीकी भी कोई शोभा नहीं है सच, लेकिन वहाँ पे भी बड़े अच्छे सिंगर हैं। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में भी बड़े अच्छे सिंगर हैं। कोई है आपकी ख्याल में कोई शोभा ऐसा हो? यार एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें पाकिस्तान मतलब आगे है। टेक्सटाइल में भी आगे नहीं है, पहले कभी टेक्सटाइल में पाकिस्तान आगे होता था 90s खान के टेन्योर में। सर आप, अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल निकाल के, आज का जदीद दौर है, आप तो, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको में भी पाकिस्तान आ गए हैं यार। कैसे भाई, कैसे यार, कैसे यार? और मुझे पाक फौज बहुत अच्छी है यार, आपको पता है, ये जो वीडियो है ना, ये इंडिया के लोग देखेंगे। तो अगर हम खाली यही कह देंगे कि पावर में आगे है या इसमें आगे है, बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी सबूत के, तो वो कहेंगे सबूत, कोई सबूत दें। सबूत तो यार है, ये पाक फौज कलमा पढ़ने वाले हैं हम, फिर वो सबूत क्या है? कलमा पढ़ने वाले हैं, जो कलमा पढ़ने वाला है वो तो बात ठीक है, हम, मैं भी कलमा पढ़ने वाला और मुझे फ़ख्र है इस चीज़ पे, आप भी, लेकिन ये एक चीज़ अलहदा है। वैसे कोई शोभा, मैं बम चला के उधर दिखा देना। दोस्तों, हाल के दिनों में भारत में अलग अलग रूट पर वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हुई है। देश में ये ट्रेनें तो पॉपुलर हुई ही है, अब विदेशी भी वंदे भारत ट्रेनों के मुरीद हो गए हैं। दोस्तों, भारत में बहुत ही बड़ी मात्रा में विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं और वह जब एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए वंदे भारत ट्रेन में बैठकर सफ़र करते हैं, तब उसे एहसास होता है
कि भारत की यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कितनी ज्यादा एडवांस और तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन है। दोस्तों, भारत घूमने आए एक विदेशी एग्जीक्यूटिव ने वंदे भारत ट्रेनों की जमकर तारीफ की। इस शख्स का नाम सिमोन कोपेक है और वो ट्रू कॉलर के एग्जीक्यूटिव है। सिमोन अपनी माँ के साथ एक हफ्ते के ट्रिप पर भारत आए हुए थे। उन्होंने कहा कि उनकी माँ पहली बार यूरोप के बाहर निकली थी। सिमोन ने कहा कि आमतौर पर भारत में ट्रेनों में काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन वंदे भारत ट्रेन से यात्रा ने पूरा सीन ही बदल दिया। उसने आगे बताया कि पोलैंड में भारत और भारत की ट्रेनों को लेकर इमेज अच्छी नहीं है, लेकिन जब उसने अपनी माँ के साथ वंदे भारत ट्रेन में सफ़र किया तो उसका नज़रिया पूरी तरह से बदल गया। उसने कहा कि ये तो पोलैंड में चलने वाली ट्रेनों से भी बहुत ही अच्छी ट्रेन थी। हमने जब सफ़र किया तब यह ट्रेन एग्जैक्ट टाइम पर स्टार्ट हुई और जो टाइम हमें बताया गया था उसी टाइम पर हमें दिल्ली पहुंचा दिया गया। सिमोन ने आगे कहा कि भारत में हरियाली हैरान करने वाली है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन लोगों के सामने भारत की सही तस्वीर पेश नहीं की गई थी। इस यात्रा ने भारत को लेकर उनकी धारणा को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।